आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। कौन से हैं स्पेसिफिक एंगल्स जो हम टेंथ में जिनकी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज करेंगे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये हमारे पर्टिकुलर एंगल्स हैं जिनकी हम ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज निकालेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है। वैसे तो आगे इससे आगे भी एंगल्स हैं, 120 डिग्री, 180 डिग्री, वो हायर क्लासेज में है। आपके टेंथ में सिर्फ इन्हीं पर्टिकुलर एंगल्स की ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ये आपको लर्न कर लिए करनी है। साइन थीटा की, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, साइन 45 की वैल्यू कितनी होगी। इसके लिए इनकेस आप भूल जाते हैं तो एक मैं टेबल है जो मैं टेबल बना रहा हूं, किस तरह से हम इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। ये पैटर्न है सिर्फ किस तरह से हम इनकी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। थीटा, थीटा एक सिंबल है जो कि एंगल को रिप्रेजेंट करता है। आप एंगल ए भी यहां पे ए भी लिख सकते हैं या बी भी लिख सकते हैं। थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, साइन थीटा। साइन थीटा मेरा 0 डिग्री है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, क्या करें आप, 0, 1, 2, 3, 4, 0 से लेकर 4 तक नंबर्स लिख लें। ये वैल्यूज निकालने का एक पैटर्न है, क्या कह सकते हैं, फॉर्मूला है। फिर क्या करें, सबको 4 से डिवाइड कर दें। क्या कर दें, 4 से डिवाइड। समझ आया, पहले 0 से लेकर 0 to 4 लिख लें, फिर 4 से सबको क्या कर दें, डिवाइड कर दें। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि हम वैल्यूज निकालने का मैं आपको तरीका बता रहा हूं बस। स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट ले लें सभी पे, स्क्वायर रूट ले लिया 0/4। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, क्या आएगा, 0 आएगा, और 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होता है। 1/4, इसका मतलब 1 का स्क्वायर रूट अलग हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट अलग हो जाएगा। रूट अंडर द रूट ए बाई बी, तो रूट ए डिवाइड बाई रूट बी, ये फॉर्मूला लग जाएगा इसका। 1 का रूट लेंगे तो 1 ही आएगा, और 4 का कितना आएगा, 2/4, इसको कैंसिल करेंगे, ये कितना आ गया, 1/2, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का रूट 2। ध्यान दें, रूट 2/4 है, कैंसिल किया तो कितना आ गया, 1/√1/2। 1 का रूट तो 1 ही होता है, और 2 रूट, और 2 का स्क्वायर रूट रूट 2 ही आ गया, 3/4। रूट 3, 3 का स्क्वायर रूट 3, और 4 का 2, और 4/4, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। अब कोस थीटा, अब इसी तरह 0 से लेकर 4 तक लिखा था, अब 4, 3, 2, 1, 0, 4 से डिवाइड कर दो। बेटर है उसी वैल्यूज को आप रिवर्स कर दें जो वैल्यूज आई है, 1/√3/2, 1/√2, इसी को रिवर्स कर दें, 1/2, 0। ठीक है, अब ध्यान दें 10 की वैल्यू, 10 का फॉर्मूला क्या होता है भाई, साइन बाई कॉस, साइन को कोस से डिवाइड कर दो तो 10 आ जाता है। साइन को कोस से डिवाइड कर दो, साइन 0 है, 0/1, 0, 1/2, √1/√3/2, कितना आएगा, हम जिसको डिवाइड करेंगे तो 1/2 को 2/√3 हो जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। इसको इससे डिवाइड करें 1 आएगा, इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, √3, और 1 को 0 से डिवाइड करेंगे, नॉट डिफाइन। ये एक सिंबल है जिसको बोलते हैं नॉट डिफाइन, इंफिनिटी। अब ध्यान दें, थीटा मेरा 0 डिग्री है, इसका मतलब साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। थीटा मेरा 30 डिग्री है, साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। इट मींस साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। सिमिलरली साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, कॉस 0 डिग्री 1 होता है, कॉस 30 डिग्री
रूट थ्री बाई टू होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन लेता हूं, फाइंड क्वेश्चन है एक हमारा, फाइंड वैल्यू ऑफ साइन 30 प्लस कॉस 60, इसकी वैल्यू निकालनी है। वन मार्क्स में पेपर में आ जाता है जैसे इस टाइप में क्वेश्चन, इसकी वैल्यू निकालें। अब साइन 30 किस, आप कहेंगे सर हम कैसे लर्न करें, अगर लर्न नहीं होती तो एक टेबल बना लो, एक साइन साइन की वैल्यू लिखने की जरूरत है, कॉस की तो क्या कर दोगे रिवर्स कर दोगे, और टेन की साइन को किससे डिवाइड कर दें, कॉस से, जीरो बाई वन, वन बाई टू को इससे डिवाइड कर दें। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, कॉस 60 की वैल्यू देखो, कॉस 60 कितना 1/2, 1/2 प्लस 1 कितना आ गया इसका आंसर 1 आ गया। इस तरह से आपने वैल्यूज को लर्न करने और इनमें यूज करने। फ्रेंड्स हमारी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं, साइन कोस टेन, बाकी जो हमारी कोसेक सेक और कॉट, उनकी वैल्यूज अगर आप इन तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यूज लर्न कर लेते हैं वो अपने आप लर्न हो जाएगी। कैसे, मान लो आपको कोसेक 30 की वैल्यू निकालनी है, कोसेक 30, अब कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है साइन का, आपको पता है ना साइन 30 कोसेक किसके इक्वल होता है, कोसेक थीटा, 1/sin θ, तो कोसेक 30 की वैल्यू जो निकालेंगे, कोसेक 30 की वैल्यू जो निकलेगी तो क्या हो जाएगा 1/sin θ, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी है भाई 1/2, तो 1/2 1/2 कितना हो जाएगा 2/1, यानी कि उसका रेसिप्रोकल कर दो, कोसेक 30 साइन 30 पे जाओ, कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है तो 2/1 हो गई। उसी तरह कॉस, मान लो आपको सपोज आपके पास sec 60, sec 60 की वैल्यू कितनी होती है, sec किसका रेसिप्रोकल होता है cos का, cos की वैल्यू cos 60 डिग्री कितना होता है 1/2, तो sec 60 कितना हो जाएगा 2/1 यानी कि 2 हो जाएगा। उसी तरह से मान लो 10 है, cot 30 डिग्री, cot 30 किसका रेसिप्रोकल होता है 10 का, tan 30 की वैल्यू 1/√3, √3, तो cot 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रेसिप्रोकल √3/1 हो जाएगी, ठीक है। अरे अब फॉर एग्जांपल आपने cot 0 की वैल्यू निकालनी है, cot 0 डिग्री, अब cot 0 डिग्री किसका रेसिप्रोकल होता है 10 का, 10 0, रेसिप्रोकल का मतलब 1/10, 10 0 कितना है 0, तो नॉट डिफाइंड, तो cot 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है नॉट डिफाइंड, हम डिफाइन नहीं कर सकते। इसलिए आपको तीन मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद रखनी है, साइन कोस टेन, उसके बेस पे आप कोसेक सेक और टेन की फाइंड आउट कर सकते हैं।